गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक क्विक अपडेट, जहां हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ रियलमी और शाओमी डिवाइस को लेकर। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो हे गाइज, मैं हूं महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना। सबसे पहली जो अपडेट है वो आती है रियलमी की तरफ से। तो गाइज रियलमी XT730G का ऑफिशियली लॉन्च डेट कन्फर्म हो चुका है 17 दिसंबर को, और कंपनी ने ऑफिशियली इनवाइट्स भेजना भी शुरू कर दिया है। स्पेसिफिकेशन आप ऑलरेडी जानते ही हैं, ये डिवाइस रियलमी XT का ही एक अपग्रेड वर्जन होगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डिवाइस का जो स्टार्टिंग प्राइस होगा वो 17,000 के आसपास बताया जा रहा है। 91 मोबाइल्स पर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रियलमी XT730G का जो स्टार्टिंग प्राइस होगा वो 17,000 के आसपास निकल कर आया है। मतलब 17,000 में स्नैपड्रैगन 730G 4GB 64GB वेरिएंट देखने को मिल सकता है, तो बहुत ही जबरदस्त डील हो सकती है। अब 20,000 से नीचे आने वाला है ये पहले ही कंफर्म था, बट 17,000 थोड़ा सरप्राइजिंग है। और इस प्राइस पर ये डिवाइस अगर सच में इंडिया में लॉन्च होता है तो ये तबाही मचा देगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। गाइस सेकंड अपडेट की बात करें तो वो भी रियलमी की तरफ से निकल कर आ रहा है। गाइस रियलमी XT730G के लॉन्च पर रियलमी अपने न्यू वायरलेस एयरपोर्ट्स भी लॉन्च करने वाला है, जिसको ऑफिशियली माधव सेठ ने भी टीज कर दिया है। ये एयरपोर्ट्स देखने में बिल्कुल एप्पल के एयरपोर्ट्स जैसे ही होंगे, और एप्पल एयरपोर्ट्स के मुकाबले काफी चीप प्राइस पर आएंगे। व्हाइट, ब्लैक और येलो तीन कलर कॉम्बिनेशन के साथ में ही आएंगे। प्राइस क्या होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 4,000 के आसपास देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है रियलमी XT730G के साथ किसी ऑफर में देखने को मिल जाए। गाइज बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट की जो आती है शाओमी फैंस के लिए। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि शाओमी का K30 5G डिवाइस 10 सितंबर को चाइना में लॉन्च होने वाला है, बट इंडिया में K30 डिवाइस का 4G वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। गाइस शाओमी के जनरल मैनेजर ल्यू वाइबिंग ने ऑफिशियली वाइबो पर एक कंफर्म कर दिया है, K30 5G डिवाइस के साथ में आपको K30 डिवाइस का 4G वेरिएंट भी देखने को मिलने वाला है। ये वेरिएंट अंडर 20 के प्राइस सेगमेंट पर देखने को मिलेगा, और ये डिवाइस टेना लिस्टिंग पर भी सर्टिफाइड हो चुका है। स्पेसिफिकेशन काफी हद तक सेम रहने वाले हैं दोनों ही डिवाइस के। डिवाइस का सबसे हाईलाइटेड फीचर होगा डुअल पंच होल डिस्प्ले और सोनी IMX686 वाला 64 मेगापिक्सल सेंसर, वो भी क्वाड कैमरा के साथ में। ये डिवाइस स्नैपड्रैगन 730G के चिपसेट पर आएगा, जो कि आपको इससे पहले रेडमी K20 में भी देखने को मिला था। और अभी रियलमी XT730G के कंपटीशन में शायद शाओमी की तरफ से ये डिवाइस लॉन्च किया जा रहा है, तो कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। रियलमी XT730G या फिर रेडमी K30 4G वेरियंट, दोनों में आपको कौन सा डिवाइस पसंद है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। गाइज लास्ट अपडेट की बात करें जो आती है वीवो की तरफ से, वीवो X30 डिवाइस को लेकर, जो ऑफिशियली 16 दिसंबर को चाइना में लॉन्च होने वाला है। ये डिवाइस ओप्पो रेनो से भी जबरदस्त कैमरा कैपेबिलिटीज के साथ में आने वाला है। वाइबो पर इस डिवाइस से रिलेटेड एक सैंपल वीडियो लीक हुआ है, जहां पर आप इस डिवाइस का सुपर टेलीफोटो लेंस जूमिंग सैंपल वाला वीडियो और इमेज देख सकते हैं। ये डिवाइस 60x मैग्निफिकेशन जूम के साथ आने वाला है। कितना जबरदस्त जूमिंग कैपेसिटी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और कितना ज्यादा शार्प इमेजेस आप इस कैमरा के साथ में कैप्चर कर सकते हैं। ये डिवाइस 5G डिवाइस होगा, जहां एक्सिनोस 980 का इंटीग्रेटेड चिपसेट देखने को मिलेगा। इंडिया में ये डिवाइस नेक्स्ट ईयर तक देखने को मिलेगा, और वीवो की तरफ से एक फ्लैगशिप डिवाइस होगा। तो डिवाइस बहुत ही जबरदस्त होगा, देखना है किस प्राइस पर और कब तक ये आपको इंडिया में देखने को मिलता है। तो गाइस ये थी क्विक अपडेट रियलमी शाओमी और वीवो के अपकमिंग डिवाइस को लेकर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।